हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। इसे हम अरवा चावल से बनाएंगे। ये पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए अरवा चावल। यहाँ 2 ग्लास के जितना अरवा चावल है, इसको पहले हम पानी में अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद छलनी में इसे हम अच्छे से छान लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सारा पानी जो है वो निकल गया है, चावल बिल्कुल सूख गया है। इसके बाद हम लेंगे हरी मटर। तो मटर की क्वांटिटी को हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि हम मटर पुलाव बना रहे हैं। और इसके बाद हम लेंगे काजू। काजू को हम बीच से 2 भाग में तोड़ लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए किशमिश, और हमें चाहिए तेज़पत्ता और गरम मसाला। गरम मसाला की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रखना है। इसके बाद हम लेंगे नमक, चीनी और हमें चाहिए घी। तो सारा सामान जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गरम मसाला को कूटना है। आप जब भी पुलाव बनाएं तो आप गरम मसाला को इस तरह से फ्रेश कूट कर डालें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो गरम मसाला को हम दरदरा सा कूट लेंगे। एकदम फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से इसे दरदरा सा कूट लेना है। इसके बाद हम एक कुकर में पानी लेंगे। तो जैसे 2 ग्लास हम चावल लिए हैं तो उसका दुगुना यानी 4 ग्लास हमें पानी लेना है। आप जब भी पुलाव बनाएं तो यही नाप आप रखिएगा। अगर 1 ग्लास चावल है तो 2 ग्लास पानी होगा। इसके बाद इस पानी में हम डाल देंगे तेज़पत्ता और जो गरम मसाला हम कूट कर रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, ये 2 टीस्पून के जितना नमक है। और यहाँ पर मैं 4 टीस्पून के जितना इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप जब भी पुलाव बनाएं तो आप उसमें चीनी ज़रूर डालिए क्योंकि पुलाव अगर मीठा होता है तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद नमक चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस पानी को हमें अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। तो पानी को हम ढक देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। तो पानी जो है वो जब तक उबलता है, चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में रिफाइंड तेल डालेंगे और इसके बाद इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहे तो सिर्फ घी से भी बना सकते हैं। तो जब तेल और घी गर्म हो जाए तो इसके बाद इसमें हम मटर डाल देंगे। और मटर डालते समय हमें आंच को एकदम धीमी रखना है क्योंकि मटर जो है ये थोड़ा छिड़कते हैं। मटर डालकर हमें बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 10 सेकंड के जितना इसे हल्का सा भून लेना है। और इसके बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल को हमें मटर के साथ बहुत ही अच्छे से भूनना है। आंच को हम धीमी रखेंगे और धीमी आंच में हम चावल को भूनेंगे। आप जब भी पुलाव बनाएं तो आपको चावल को बहुत ही अच्छे से भूनना ज़रूरी है क्योंकि अगर चावल ज़रा सा भी कच्चा रह जाता है तो फिर पुलाव खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसे धीमी आंच में हम भूनते रहेंगे। जब चावल और मटर थोड़ा भून जाए इसके बाद इसमें हम काजू डाल देंगे। किशमिश को अभी हम नहीं डालेंगे, उसे हम बाद में डालेंगे क्योंकि किशमिश को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। काजू डालकर इसे हम अच्छे से भूनते जाएंगे। इधर हम देख सकते हैं कि पानी जो है वो भी बहुत ही अच्छे से उबल गया है, लेकिन इसे हमें और भी उबालना है। तो हम इसी तरह से इसको ढक्कन से ढक देंगे और उबालते रहेंगे। पुलाव में पानी जितना ज़्यादा उबलता है वो उतना ही अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काजू जो है वो हल्का सा भून गया है। तो इसके बाद इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे और किशमिश को भी थोड़ी देर तक भून लेंगे। इसके बाद पुलाव को हम चेक कर लेंगे कि चावल जो है हमारा अच्छे से भुना है या नहीं। तो इसके लिए हम 1-2 चावल के दाने लेंगे और उसको इस तरह हाथ से हम तोड़कर देखेंगे। अगर ये टूटते समय कट कट की आवाज़ आए तो हम समझ लेंगे कि चावल जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन गया है और ये आराम से टूट जा रहा है। आप भी इस तरह से चेक कर लीजिएगा और लगे कि नहीं चावल अभी ठीक से नहीं भुना है तो थोड़ा सा और भून लीजिएगा। तो यहाँ पर चावल जो है वो अच्छे से भून गया है। इसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे।
और यहाँ पर आप पानी का कलर देख सकते हैं, ये कितना डार्क हो गया है। तो यहाँ पर हम नमक और चीनी को टेस्ट कर लेंगे, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा नमक चीनी इसमें और मिला देंगे। पहले मैं इसमें 4 चम्मच के जितना चीनी दी थी, लेकिन मुझे थोड़ी मिठास कम लग रही थी तो मैं 1 चम्मच चीनी और दे रही हूँ, और थोड़ा सा मैं नमक भी डाल दे रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर हमें चावल डाल देना है, तो सभी चावल को हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर आंच को हमें तेज ही रखना है, आंच को धीमी नहीं करना है। ढक्कन लगाकर इसको 1 सीटी आने तक पकाएंगे। जब 1 सीटी लग जाए तो इसके बाद इसका जो भाप है उसको हमें थोड़ा सा निकाल देना है, नहीं तो चावल जो है वो बहुत ज़्यादा भी गल सकते हैं। भाप को पहले हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, उसके बाद कुकर के अपने आप खुलने तक वेट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलाव जो है वो कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है, चावल भी जो है वो कितने अच्छे एकदम खिले खिले हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुकर में से पुलाव को हम किसी और बर्तन या कोई कैसरोल में रख देंगे, नहीं तो कुकर में ये पुलाव और भी ज़्यादा गल सकते हैं। तो इसे हम धीरे धीरे निकालेंगे और किसी और बर्तन में डाल देंगे, इससे पुलाव ओवर कुक होने से बच जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही टेस्टी मटर पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसमें हल्की सी मिठास होती है, हल्का सा ये नमकीन होता है। इसे आप आलू दम, पनीर, चिकन, मटन किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी मेरे इस तरीके से एक बार मटर पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।